मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 इन विच वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में कुछ आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो LHSM पार्ट है इसका जो डिनोमिनेटर है, इनका हम पहले LHSM लेकर के सेम डिनोमिनेटर बनाते हैं, और RHSM पार्ट है उसका अलग LHSM लेते हैं, उसे अलग बनाते हैं। तो पहले हम 2 और 5 का LHSM लेंगे तो 10 हो जाएगा, वो 10 हमारा हमने यहाँ लिख लिया। तो उसे 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, और 5 से फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5x आएगा, सेम उसी तरीके से जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। और 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2 आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी हम 3 और 4 का LHSM लिया 12 हो गया, 3 4 जा 12 होता है, 4 का x से मल्टीप्लाई 4x हो गया, 4 3 जा 12 होता है, 3 बन जा 3 हो गया। अब हमें ये दोनों तरफ दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले हैं जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 12 का मल्टीपल इसके न्यूमरेटर से हो जाएगा और 10 का मल्टीपल इसके न्यूमरेटर से हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन दोनों जो एक्सप्रेशन हैं वो इक्वल आ जाएंगे। 12 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 60x हो गया, 12 2 24 हो गया, 10 का 4 से 10 4 40x हो गया, 10 3 30 हो गया। अब आप देख रहे हैं ये सिंपल इक्वेशन बनेगी जैसे हम पहले किसी एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन सॉल्व किए, तो सेम उसी तरीके से इसको 40 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 24 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और सॉल्व करने पर हमें 20x इक्वल टू 54 आता है। बाई सॉल्विंग इट वी गेट x इक्वल टू 27। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन विच RHS में आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो LHS में सिर्फ इसमें वेरिएबल दिए हुए हैं, बट दे हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, इन सब के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द सेम डिनोमिनेटर विद द हेल्प ऑफ द LCM, तो 2 4 और 6 का हम LCM लेंगे, LCM लेकर के 2 4 और 6 का LCM लेते हैं कितना आता है 12 आता है, और 12 को फिर हम इसमें कंप्रोमाइज करते हैं, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, 6 का LCM मल्टीप्लाई 6 हो गया, सेम है 4 3 या 12 होता है, 3 3 या 9 हो गया, 6 का 12 से मल्टीप्लाई 2 टाइम का 2 का 5 से मल्टीप्लाई 2 2 5 10 हो गया इक्वल टू 21 हो गया। इसके बाद 6n और 10n को अगर प्लस करते हैं तो हो गया 16n, 16 में से 9 का कितना बचा 7n, यानी बाय सिंपलीफाइड इट वी गेट 7n अपॉन 12 वैसे ही रहेगा, इधर 21 अपॉन 1 मान लिया, और इसके बाद हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7n इक्वल टू 21 इनटू 12 आता है। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको चीज समझे, बट 7n इक्वल टू 21 इनटू 12 आ गया, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे पर जरूरत नहीं समझा। इसके बाद 7 को उधर ट्रांसफर कर देते तो अपॉन में आ जाता है, अगर हम 7 से 21 3 टाइम कट जाता तो n इक्वल टू 12 3 कितना आएगा 36। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सो दीस आर यू हैव टू डू योरसेल्फ। एंड नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, ये 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। अब इसको भी उसी तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में LHSM लिया था वैसे इधर भी हम इसका डिफरेंट डिनोमिनेटर LHSM ले लेंगे, जिसका LHSM डिनोमिनेटर नहीं है वहां पर अपॉन 1 मान लेते हैं, तो 4 और 3 का जो LHSM है वो 12 हो गया। सेम उसी वही प्रोसेस है, 4 3 जब 12 2 टाइम 3 टाइम किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट 3t माइनस 2 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ब्रैकेट 2t प्लस 3। इसके बाद यहां ब्रैकेट जरूरी यूज करें जब यहां माइनस चिन्ह हो तो इक्वल टू इधर 3 और 1 का LHSM 3 होगा, 3 बन जाए 3, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 3 या 3 3 का t से मल्टीप्लाई होगा तो 3t हो गया। ओके आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली वी विल ओपन द ब्रैकेट्स नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके ब्रैकेट ओपन करने, 3 3 जा 90 3 2 या 6 माइनस 4 का 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 80 और 4 3 या 12 माइनस का 12 हो गया, इधर सेम वैसे कॉपी कर दिया जैसे ऊपर था। इसके बाद 90 में से 80 जाएगा तो t बचेगा, और माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18 हो गया अपॉन 12 इक्वल टू ये अब सेम वैसे ही हो गया जैसे आपका यहाँ पर था, इससे पहले यहाँ जो पहले क्वेश्चन में था वैसे ही हो गया सेम वैसे ही आप देख रहे हैं, और इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। By solving this, we get t equal to 2. Okay, so note on it. Yes, students.
your next question number 6. M minus 1 upon 2 equal to 1 minus M minus 2 upon 3. ये भी सेम उसी तरीके के है जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं, बट समथिंग डिफरेंट इज दैट. सो इसके एम अपॉन वन मान लेते हैं, इधर वन अपॉन वन मान लेते हैं, और सेम उसी तरीके से टू और वन का एलसीएम और थ्री और वन का एलसीएम लेकर के सेम डिनोमिनेटर बना लेते हैं. तो टू और वन का एलसीएम लिया तो टू हो गया, वन से टू को डिवाइड करेंगे टू डाल जाएगा, टू का एम से मल्टीपल हुआ तो टू एम. सेम उसी प्रकार से टू से टू को डिवाइड करेंगे तो वन बार जाएगा, वन का इसमें मल्टीपल करेंगे. जनरली हम क्या करते हैं, वन का मल्टीपल करेंगे तो कोई अंदर नहीं आएगा, इसमें वन का मल्टीपल ना करें तो वही नंबर रहेगा, लेकिन इसमें गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस एन लगाते हैं. जब भी फंक्शन के आगे माइनस एन हो वहाँ ब्रैकेट का ही जरूर करें. माइनस वन लगाए, माइनस लगाएंगे, फिर वन टू बन जाए टू हो रहा है तो वन से यहाँ रखेंगे, वन के बाद ब्रैकेट में माइनस वन लिख देंगे. सेम वही प्रोसेस इधर भी थ्री और वन का एलसीएम लिया गया है, और सेम उसी तरीके से इधर भी लिखा किया गया है. इसके बाद अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना और कुछ नहीं करना है. तो अगर वैसे ही रहेगा, माइनस वन से मल्टीपल करें एम करेंगे माइनस एम हो जाएगा, माइनस वन का माइनस वन से मल्टीपल करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा. यहाँ यही गलती हो जाती है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस का एम लिखते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है. इसलिए यहाँ पर प्लस एम प्लस वन हो जाता है. सेम यही प्रोसेस सर भी है, थ्री ऐसे रहेगा माइनस वन से मल्टीपल माइनस एम और प्लस टू हो जाएगा. आगे सॉल्व करेंगे, टू एम से एम गया तो एम बचा प्लस वन, थ्री और टू फाइव हो गया, फाइव माइनस एम हो गया. अब ये सेम वैसे हो गया जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो थ्री का एम से थ्री एम प्लस थ्री हो गया, टू फाइव या टेन, टू एम या टू का एम से टू एम हो गया. अब क्या करेंगे, टू एम को इधर ट्रांसपोज करते हैं थ्री उधर, सेम वैसे सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री एम प्लस टू एम इक्वल टू टेन माइनस थ्री. यहाँ क्या रहेगा, फाइव एम थ्री एम प्लस टू एम फाइव एम इक्वल टू सेवन हो गया. फाइव को इधर ट्रांसपोज करते हैं सेवन को, दैट इज द आंसर ऑफ फोर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको ये कह रहे हैं, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. पहले सिंप्लीफाई करिए फिर उसे सॉल्व करिए. सिंपली उसी तरीके से करना है. यहाँ पर ब्रैकेट के क्वेश्चन दिया हुआ, थ्री ब्रैकेट टी माइनस थ्री इक्वल टू फाइव ब्रैकेट टू टी प्लस वन. अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थ्री का टी से मल्टीपल होगा थ्री टी, थ्री थ्री या नाइन, फाइव टू या टेन, फाइव वन या फाइव, ब्रैकेट ओपन हो गया. सिंपली सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को एलएचएस में ले लेते हैं और कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं. तो हमारा क्या होता है, थ्री टी माइनस टेन टी हो जाएगा, प्लस का फाइव लिखा हुआ है इधर माइनस नाइन है उधर जाके प्लस का नाइन हो जाएगा. ओके आपका जब 3t में से 10t माइनस करेंगे माइनस 70 आएगा और 5 प्लस 9 इक्वल टू आपका 14 हो जाएगा. सेम माइनस 7 को उधर भेज देंगे तो 14 अपॉन माइनस 7 माइनस 7 जो 14 डिवाइड करेंगे तो t इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपको अपने आप करने हैं सेम उसी तरीके से, बट 10th वाला समथिंग डिफरेंट बिकॉज इट हैज अ डेसिमल नंबर. क्योंकि सिर्फ डेसिमल नंबर इसलिए कुछ अलग है, इसलिए इसे हम बता देते हैं. 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9. सबसे पहले इसके डेसिमल का आप क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं. डेसिमल हटा देंगे, सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा तो 25/100 हो जाएगा. सेम बाकी कुछ नहीं किया, जैसे रहा आपका 0.5 को 5/100 हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट कुछ नहीं रहा. आप देख रहे हैं दोनों तरफ 100 डिनोमिनेटर था, इजीली हम उसको काट सकते हैं. हम चाहते हैं 5 से भी काट सकते हैं, 5 या 5 5 या 25 भी काट सकता था, बट देयर इज नो नीड टू सिंपलीफाई दैट. इसके बाद 100 से 100 कैंसिल कर दिया, बाकी सिंपली 25 से 100 मल्टीपल कर दिया. 25 हो जाए 100 है, 25 3 जाए 75, 5 10 जाए 50 है, 5 9 जाए 40 है. अब आपका ये सिंपल इक्वेशन हो गया जैसे आपने अभी ई वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से है. इसके बाद आप इसमें सेम वेरिएबल इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 100 है माइनस 50 है हो गया, कॉन्स्टेंट उधर चला जाएगा तो माइनस 45 प्लस 75 हो गया. तो हमारा ये कितना हो गया, 50 है 100 माइनस 50 का 50 है इक्वल टू 30, और ये एफ इक्वल टू 30 अपॉन 50. सो एफ इक्वल टू कितना आ गया 3/5. हम इतना भी छोड़ सकते हैं तब भी आंसर हमारा सही होगा, बट बिकॉज क्वेश्चन डेसिमल नंबर से है इसलिए हम इसमें डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं. 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा 0.6. विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश. ओके सो समझते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर में, ठीक है. सो लास्ट आई वांट टू से दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडी. ओके.